नमस्ते बच्चों हमेशा खुश रहो मैं जीवियन वी एन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से बच्चों मैं आपको आदिकाल के बारे में बता रही हूँ आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं और उसी श्रृंखला में मैं आपको अन्य आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताऊँगी आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति ये भी है कि इसमें वीर और श्रृंगार का उत्कर्ष है जो साहित्य रचा गया आदिकालीन साहित्य इसमें वीर और श्रृंगार हमें बहुत रूप में दिखाई देता है इन सभी वीरगाथाओं में वीर रस के साथ साथ रस का भी पूर्ण उद्रेक हुआ है क्योंकि वीर रस तो इन कवियों का लक्ष्य था ही किंतु श्रृंगार भी उनका आ, साथ साथ इस काव्य में उनके आ गया है तो जो भी उन्होंने रचनाएं करी हैं वो वीर रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं वातावरण उस समय जो वातावरण था वो भी वीरस के अनुकूल ही था चारों ओर युद्ध की विभिषिकाएँ थीं और सब सब जगह युद्ध उत्साह में सजे वीरों की स्तुतियां करने में कविगण जो थे वे व्यस्त थे चारों और वातावरण ही युद्ध का था और ऐसी इसी तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी राज्य प्राप्ति और विस्तार के लिए भी युद्ध किए गए किंतु नारी के कारण भी इस काल में राजाओं ने बहुत से युद्ध किए नारी की पायल के साथ साथ वीरों की तलवारें भी झनकार जन, करती रहीं नारी के सौंदर्य का चित्रण नक्षिक और विलास भावना के अनेक चित्र इन कवियों ने मानसल दृष्टि से प्रस्तुत किए हैं इनमें प्रेम का सूक्ष्म अशीरी सौंदर्य कहीं भी नहीं है नारी के रूप के लोभ में उन्हें उसे प्राप्त करके भोगने की चाह इस श्रृंगार काव्य में उपलब्ध है वीर और श्रृंगार जैसे विरोधी रसों को अपनी प्रतिभा से इन काव्यों में सम्मिलित करने का श्रेय इन कवियों को जाता है और इन कवियों ने अपनी पूरी इसमें पूरी प्रतिभा का परिचय दिया है कि दोनों ही इसमें रंग रस इसमें दिखाई देते हैं वीर और श्रृंगार वीर रस का तो एक उदाहरण है जैसे कि बज्जी ये घोर निशान रान चौहान चहो दिस सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र दिस इसी प्रकार से श्रृंगार का एक श्रृंगार रस का एक उदाहरण है कि मनहु कला ससुभान कला सोलह सोबनिय बाल दैस सीता समीप अमित्र रस पिन्नी तो इस प्रकार से वीर और श्रृंगार रस का इसमें उत्कृष्ट दिखाई देता है इस साहित्य में और अगले जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति है वो है कि युद्धों का उत्साहवर्धक चित्रण इसमें जो साहित्य था इन वीरगाथात्मक रचनाओं में युद्धों का अत्यंत ही सजीव और फड़गाने वाला चित्रण प्रस्तुत किया गया है युद्ध कौशल और युद्ध की के दृश्यों के चित्रण में भी ये काव्य इतने संपूर्ण हैं कि इस क्षेत्र में इनकी बराबरी करने वाले अन्य काव्य दिखाई ही नहीं देते हैं युद्धों की विभीषिका शस्त्र झंकार वीरों का उत्साह गति त्वरा ओज, रक्तपात और कौशल का ऐसा बिंबग्रही चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है इसका कारण यह है कि इन काव्यों के रचयिता प्रायः चारण कवि थे ये चारण कवि केवल कलम के सिपाही ही नहीं थे बल्कि तलवार के भी धनी थे वे बहादुर भी थे वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे सिद्धहस्त थे और वीर काव्य के द्वारा उन्हें युद्ध धर्म के निर्वाह की प्रेरणा भी देते दे थे और स्वयं भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करते थे इस प्रकार उनकी वीर भावनाएं अनुभूत सत्य बनकर काव्यों में उतरी हैं जिससे वे अधिक वास्तविक विश्वसनीय और प्रभावकारी हो गई हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लड़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि लड़ाई भी जाति विशेष का पेशा मान ली गई थी देश रक्षा या धर्म के लिए समूची जनता के सन्नद्ध हो जाने का विचार ही नहीं उठता था लोग क्रमशः जातियों उपजातियों संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभक्त होते जा रहे थे लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था क्योंकि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी निरंतर प्रोत्साहित करने का भी एक वर्ग की आवश्यकता हो गई थी तो चारण इसी श्रेणी के लोग थे उनका कर्म ही यही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार फिर वे लोग तो उस समय स्वयं भी युद्ध में भाग लेते थे तो इस प्रकार उनके द्वारा रचे गए इन काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन जो चित्रण है वो उपलब्ध होता ही है और इस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में पूरी तरह से युद्धों का वर्णन बढ़ चढ़ के किया है तो बच्चों आपने देखा कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो अन्य प्रवृत्ति है कि वीर और श्रृंगार का इस साहित्य में परिपाक हुआ है और युद्धों का उत्साह पूर्वक चित्रण हुआ है ये हमें उनका उत्साह पूर्वक चित्रण हमें देखने को मिलता है तो ये आपने अच्छी तरह समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा फिर भी कोई आपकी अगर समस्या है कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं मैं उसका समाधान करूंगी ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन टू पॉइंट जीरो से हो रहा था अगले वीडियो में मैं आपको अन्य प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी नमस्कार